हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस आप लोग काफी टाइम से सुन रहे हैं और काफी स्टेट ने तो इसे महामारी भी घोषित कर दिया है। राजस्थान, हरियाणा जैसे शहरों में, ये राज्यों में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है, नॉर्थ के काफी सारे स्टेट्स में। तो क्या है ये ब्लैक फंगस, किसे हो सकता है, कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं और क्या है ये, क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, देश में कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ और ब्लैक फंगस के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये भी एक चिंताजनक बात है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के अब तक करीबन 1500 मरीज सामने आ चुके हैं और उनमें से 90 की मौत हो चुकी है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब समेत 5 राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी तक घोषित कर दिया गया है और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी उच्च स्तरीय बैठक करके इससे निपटने की तैयारी शुरू की है। तो केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड बीमारी करार कर दिया गया है। तो क्या है ब्लैक फंगस, ये हम सबसे पहले बात करते हैं। तो ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या जो ट्रांसप्लांट के मरीज है, जैसे कोई भी अंग ट्रांसप्लांट किया जाता है आपकी बॉडी में, उसमें ये फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है। इतनी संख्या में फंगल इन्फेक्शन पहले कभी नहीं देखा गया था, इसीलिए इसको कोरोना की दूसरी लहर में जब देखा गया तो ज्यादा केसेस देखे गए और इसीलिए उभर कर आया है, वरना फंगल इन्फेक्शन पहले से ही मौजूद था। फंगल इन्फेक्शन में खतरा है और अगर इलाज नहीं मिला तो 80% मामलों में मौत की संभावना होती है। ब्लैक फंगस छूत की बीमारी नहीं है, लेकिन यह और ना ही यह कोरोना की तरह एक से दूसरे को फैलती है। तो ब्लैक फंगस की पहचान कैसे करें? अगर कोई डायबिटिक है, यानी कि वो अपने शुगर को नियंत्रित रखें, सेल्फ मेडिटेशन करते हुए स्टेरॉइड्स जो है वो आप ना लें। इसके साथ ही मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क को साफ सुथरा रखें, अगर मास्क गीला है तो उसे साफ करके सुखाकर ही पहने। COVID-19 होने के बाद अगर आपका नाक अगर बंद हुआ या चेहरा लाल हो या आंखें लाल हो रही हो तो आप डॉक्टर की सलाह आपको ले लेनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर यह तय करेंगे कि यह ब्लैक फंगस है या कुछ और है। थोड़े दिन भी स्टेरॉइड लिया और उसमें भी ब्लैक फंगस के मामले आए हैं, तो अगर आपने कोविड के टाइम पे स्टेरॉइड लिए या आप डायबिटीज के पेशेंट थे तो आप ब्लैक फंगस के आप में होने के चांसेस हैं। तो ये थी जानकारी कि कैसे आप बच सकते हैं, डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए, कैसे आप पहचान कर सकते हैं और ब्लैक फंगस क्या था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।